हेलो बच्चों, तो अभी आपने एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखी होगी। आप सबने टीवी में मूवीज में सीन देखा होगा, ठीक है। क्या था ये ऐसा जिसने बाहुबली को इस युद्ध में जीत दिलवा दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आज है हमारा ईवीएस का एक्टिविटी डे, और आज हम इसी एक मशीन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेबुसेट, ठीक है। इसका नाम है ट्रेबुसेट। ये है क्या, यहाँ पे छोटी सी ड्राइंग बनाई है मैंने, देख सकते हैं आप कि ये इसका एक बेस होता है, उसमें कॉलम्स होते हैं, और ये इसमें एक ऐसे रोड लगी होती है, और इस रोड के एक सिरे को हमने इलास्टिक से बांधना है, और इधर यहाँ पे बड़े पत्थर या कोई भी भारी वस्तु जिसे हमें फेंकना है दूर तक, वो बांध के रखी जाती थी। अब इसको नीचे लाने के लिए ये रस्सी का यूज करते थे, ठीक है। रस्सी जितनी खींचते थे उतनी नीचे आती थी, और ये इलास्टिक खिंचता चला जाता था, ठीक है। अब जैसे ही इस रस्सी को छोड़ा जाता था, इलास्टिक अपनी जगह पे वापस आता था, और ये जो भी यहाँ पे रखा है मटेरियल वो दूर तक चला जाता था, ठीक है। तो चलिए अभी हम इस ट्रेबुसेट का एक छोटा सा डेमो बना के देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने मटेरियल तैयार रखा है। ये है हमारा बेस, ठीक है, और ये इसके कॉलम्स हैं। ये जो रोड बताई थी वो, इस रोड के एक सिरे पे ये बास्केट लगी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा हमें चाहिए एक हुक चाहिए जो इलास्टिक को बांधने के काम में आएगा। ये इलास्टिक इसमें मैंने लगा दिया रबड़, और ये इस रोड को रोकने के लिए इसके लॉक्स हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले तो इस कॉलम को यहाँ बेस में लगाना है हमें, ठीक है। उसके बाद में ये इस रोड के यहाँ पर देखिए अलग अलग छेद कर रखे हैं, इनके एक सिरे पे यहाँ पर ये लॉक डाल के इसमें, ठीक है, और इसके बीचों बीच होते हुए दोनों तरफ लगा देना है। इसको रोकने के लिए यहाँ पर दो लॉक लगाए हैं ये, ठीक है, ताकि ये निकले ना। अब इसके बाद में यहाँ पर इसके इस तरफ ये हुक लगा देना है हमें, यहाँ पर एक छेद बना के ये हुक लगा दिया हमने। ठीक है, और अब इस रबड़ का एक सिरा यहाँ पर इसमें डाल दिया हमने, और ये देखिए अब ये तैयार हो रहा, ठीक है। अब इसको चलिए वर्किंग करके देखते हैं। तो देखिए ये तैयार है, अब इसका वर्किंग देखते हैं कि इसको नीचे तक खींचा जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में इसको ऐसे छोड़ा जाता है, ठीक है। तो जितना इसको नीचे खींचते हैं, इलास्टिक इस वापस अपनी शेप में आता है, और यहाँ जो भी चीज़ रखी होती है, कोई भी मटेरियल रखा होता है, वो इलास्टिक के फोर्स की वजह से दूर तक जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा ट्री बसेट।